अगर आप भी लाडली बहना योजना के लिए फॉर्म को फिल किए और सभी के खाते में पांचवी किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपको बता दें कि 15 नवंबर से यहाँ पे सभी लाडली बहनों के खाते में छठी किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार यानी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बताया गया, जिसमें कि 1.35 करोड़ महिलाओं के खाते में छठी किस्त का पैसा ट्रांसफर करेगी। जो कि बहुत सारे के मन में ये सवाल होगा कि 1250 ट्रांसफर करेगा या 1550 ट्रांसफर करेगा, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए जिसमें आपको क्लियर हो जाएंगे कि 1250 मिलेगा या 1500 मिलेगा। और आपको बता दें, अगर लाडली बहना आवास योजना के लिए अप्लाई किए थे उसके बारे में भी बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, तो जानेंगे पूरी जानकारी इस डिटेल के माध्यम से किस तरह से आप अपना 25,000 रुपये यानी लाडली बहना के खाते में पैसे कब ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर देख सकते कि लाडली बहना की यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहना की यहाँ पर करोड़ों के खुशखबरी है, जो कि विधानसभा का चुनाव यानी कि वोटिंग राज्य के हो चुका है, जिसमें कि 1.31 करोड़ लाडली बहनों के तोहफे देने, जिसमें कि 7 नवंबर को ही इस योजना का छठी किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दी गई, जिसमें कि 1250 रुपये की ही जारी कर दी गई, जिसमें 1250 रुपये छठी किस्त का पैसा सभी लाडली बहनों के खाते में पैसे को ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद आपको बता दें, अभी तक जिसके भी खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए और नहीं आए, बहुत सारे लोगों के खाते में पैसे आ चुके हैं, जिसके खाते में पैसे नहीं आए, तो कल 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। जो भी यहाँ पे चुनाव खत्म हो चुका, विधानसभा का जो चुनाव था, आचार संहिता लागू, सब खत्म हो चुका, उसके बाद यहाँ पे लाडली बहनों के खाते में बहुत ही जल्दी पैसे छठी किस्त का ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद आपको बताने वाले कि आप जो है कि लाडली बहना आवास योजना का 25,000 रुपया यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट में यहाँ पे जहाँ पे जिस राज्य में यानी मध्य प्रदेश के जिले में जितने भी है, सभी जिले में नहीं हुए लेकिन बहुत सारे जिले में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए लाडली बहना आवास योजना का। अगर अभी तक आप फॉर्म को फिल नहीं किए थे, जल्दी से फॉर्म को फिल करते, इसका भी डेट खत्म हो चुकी, लेकिन तीसरा राउंड जैसे ही चालू होगा आप लोग जल्द से जल्द इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताने वाले कि 1250 और यहाँ पर प्रथम किस्त, वो आपको 15 नवंबर से यहाँ पर फटाफट से यहाँ पे सभी लाडली बहनों के खाते में पैसे को ट्रांसफर करके, जो भी लोग पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए थे उसको लाडली बहना आवास योजना के तहत सरकारी यानी कि आर्थिक सहायता के लिए रूप में यहाँ पे मध्य प्रदेश के सरकार शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस कि वो पैसे सभी के खाते में 25,000 रुपये प्रथम किस्त को पैसे ट्रांसफर करेगी। उसके बाद यहाँ पे छठी किस्त का पैसा 1250 रुपये सभी के खाते में पैसे दे दिए जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। और भी जानकारी आप हमें कमेंट कर सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है।